मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई है। मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ पुलिस द्वारा गांजा तस्करों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर जूट मिल पुलिस द्वारा कोड़ा तराई के पास गांजा रेड की बड़ी कार्रवाई कर एक महिला समेत 5 आरोपी को पकड़ा गया था, जिनसे 175 किलो गांजा, एक ऑल्टो कार और एक छोटा हाथी पिकअप वाहन, कुल 43 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। गिरफ्तार मुख्य आरोपी संतराम खोटे, शक्ति और इनके साथियों से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें इनके गिरोह में शामिल लोगों के नामों का खुलासा होने के बाद पुलिस ने गांजा तस्करी में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी एसपी दिव्यांग पटेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। दिशा निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। पूर्व में 175 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। वर्तमान में उसके फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक में जुड़े हुए और 3 आरोपी कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी कुछ समय पूर्व माननीय गृह मंत्री केंद्र शासन श्री अमित शाह जी के दौरे के दौरान रायपुर में एनसीबी का क्षेत्रीय इकाई का उद्घाटन किया गया था। उस समय विशेष निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध गांजा परिवहन और इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल है उसके खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस के द्वारा विशेष कार्रवाई किया गया है। जो 3-4 दिन पूर्व एक गांजा की बड़ी खेप जो उड़ीसा से ले जाकर छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में जा रही थी, जिसमें 175 किलोग्राम गांजा, 5 आरोपी और 2 गाड़ी जब्त की गई, जिसकी फॉरवर्ड लिंक में गए एक मुख्य आरोपी जो ये पूरा गांजा खरीदता है उड़ीसा से मंगवा कर, प्लस एक उसका रिटेलर जो ये गांजा को अलग अलग जगह पे बिकवाता है, भागवत साहू एवं नानू भारद्वाज, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ये ट्रांसपोर्ट की जो बैकवर्ड लिंक जहां से गांजा आता है वो ब्योमकेश जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, बौद्ध जिले का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक गिरफ्तार की गई है। साथ ही में इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन सभी आरोपी के अकाउंट खंगाले गए तो उसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। इनके जो जो अकाउंट की जानकारी हमको मिली है उस अकाउंट को होल्ड करवाया गया है। इसके लिए एक विशेष टीम बनाकर सीए की मदद से पूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। साथ में जहां गांजा प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए भी नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो एवं उड़ीसा पुलिस की मदद से वहां पे भी कार्रवाई में की जाए। एक आरक्षक जो कि आरोपी गण से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड था, उसको किशोर साहू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। उड़ीसा में जहाँ पहाड़ी एरिया में गांजा प्रोड्यूस होता है वहाँ से गांजा को 1-1, 2-2 किलो के पैकिंग में अलग अलग प्रकार से डिसेप्टिव मोड पे लाया जाता है। जैसे कभी सब्जी के उसमें लाया जाता है, कभी खाली कंटेनर के बीच में छुपा के लाया जाता है। इस प्रकार वहाँ से ओरिजिन होता है और मिडल मैन जो कि मेन ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है उसको दिया जाता है। मिडल मैन फिर जो उसका होलसेलर होता है उसको देता है गांजा। होलसेलर फिर अपनी रिटेल टीम के मदद से अलग अलग क्षेत्रों में गांजा बेचता है। पूरी जगह पे उसकी और फॉरवर्ड लिंक को और बैकवर्ड लिंक को दोनों जगह पे टटोला जाएगा। 3 दिन पूर्व ये पकड़ाया गया था, आज उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक में और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विवेचना अभी भी जारी है और अभी और आरोपी की गिरफ्तारी की पूर्ण संभावना है।
विवेचना अभी जारी है, इसमें फॉरवर्ड लिंक बैकवर्ड लिंक में जितने लोग इन्वॉल्व हो सब पे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। सख्ती जिले में अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसके साथ उन 2 गाड़ी जो कि गांजे के पैसे से खरीदी गई थी उसको भी जब्ती किया गया है, उनके सारी बैंक अकाउंट डिटेल को भी खंगाल के उसमें जैसे मैंने बताया करीब 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, साथ में उसमें जो पैसा था करीब 6.5 लाख उसको होल्ड करवाया गया है। सभी के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है, सभी का पूर्ण सहयोग है और आगे भी हमारे द्वारा इस प्रकार से परिवहन के साथ साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक को चेक करते हुए